इन दिनों दुनिया का एक बड़ा रेगिस्तानी इलाका मूसलाधार बारिश से जूझ रहा है। ये बात किसी अचरज से कम नहीं, लेकिन कुदरत का ये करिश्मा खाड़ी के देश संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। यूएई में मूसलाधार बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि यहाँ बीते बुधवार से शुरू हुई बारिश गुरुवार को भी जारी रही। इन दो दिनों की बारिश ने मानो तबाही मचा कर रख दी है। आपको बता दें कि यूएई में 27 साल के बाद ऐसी बारिश देखने को मिली है। यहाँ भारी बारिश के बाद रास अल खैमा में कई वादियां और एक बांध बह गया। इसके साथ ही कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से कई घर डूब गए और कुछ घर तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एनसीएम ने कुछ क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फुजैरा बंदरगाह पर 255.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। जुलाई महीने में यूएई में इस बार सबसे अधिक बारिश हुई है। सूत्रों के मुताबिक राहत एवं बचाव कर्मियों ने अब तक कम से कम 870 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इसके साथ ही लगभग 4000 लोगों को शारजा और फुजैरा में अस्थायी शिविर में रखा गया है। वहीं शारजा पुलिस ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। इसके साथ ही निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। यूएई में बाढ़ से मची इस तबाही के कारण प्रभावित क्षेत्रों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय आपात संकट एवं आपदा प्रबंधन अथॉरिटी का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो इलाके के होटलों में भी लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि बाढ़ और बारिश से देश में किसी की मौत नहीं हुई है।